अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेमार प्राइड का 2 बेड DD का फ्लैट। अच्छा, 2 बेड DD में दो कैटेगरी अवेलेबल है, और एक तो है 1176 स्क्वायर फुट पे, और दूसरा और एक है 1315 स्क्वायर फुट पे। अच्छा, 1175 जो है वो सारा सोल्ड हो चुका है। जो अभी अवेलेबल है, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, जो अवेलेबल है वो है 1300-1325 वाला, वो अवेलेबल है, वो मिल सकता है। ये मैं उसकी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आ गया हूँ, और अभी मैं आपको बताता हुआ जाता हूँ। ये ड्राइंग रूम है इसका, मतलब ये फिनिशिंग अभी होगी इसकी ना। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम वाला एरिया है। ये टीवी लाउंज है। अच्छा, लाउंज के बिल्कुल सामने किचन आएगा, और सेमी फर्निश मिलेगा, तैयार मिलेगा किचन आपको, और साथ साथ में इसके एक विंडो दी हुई है, और एक डर्टी किचन की जगह भी दी हुई है, ये भी रेडी मिलेगा आपको। ये यहाँ पे डर्टी किचन बनेगा, और यहाँ पे इसकी विंडो भी आ जाएगी। अच्छा, एक विंडो यहाँ भी दी हुई है। ये टीवी लाउंज में है सारी ना, और ये बिल्कुल इतने बड़े एरिया पे खुल रही है कि आपको वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं होगा। ये इसका पहला बेडरूम है, क्योंकि ये 2 बेड DD है, ये पहला बेडरूम है इसका। और अच्छा, सबके साथ एक बैल्कनी मौजूद है। ये बाथरूम वॉशरूम बाथरूम की जगह है, ये बैल्कनी है, ये इसकी बैल्कनी है। ये 2 बेड DD का 1325 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। अच्छा, ये मैं जा रहा हूँ इसके मास्टर बेडरूम में। ये बड़ा बड़ा कमरा है, ये आपको देखने में ही नज़र आ रहा होगा, बड़ा कमरा है ये, और इसमें भी एक विंडो दी हुई है, क्योंकि सारे फ्लैट कॉर्नर अपार्टमेंट हैं, सभी कॉर्नर हैं, क्योंकि आसपास को बिल्डिंग नहीं है। ये इसका बाथरूम है, बाथरूम भी बड़ा है इसका। तो ये इसका मास्टर बेड है, बड़ा कमरा है, और 12x12x16 का कमरा है ये। और ये वाला बेडरूम मैंने आपको दिखाया अभी, इसके साथ बेल्कनी भी है, और पीछे जो है कॉरिडोर टाइप का बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ भी नहीं है। और अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ये विंडो जो खुल रही है, ये हर अपार्टमेंट के बीच में 10 फीट का गैप है। ये देखिए, ये गैप दिखा रहा हूँ मैं, ये 10 फीट का गैप है, जिसकी वजह से आपके जो भी लोग यहाँ पे फ्लैट लेते हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। ये मैं आपको ऊपर तक दिखा रहा हूँ, ये गैप जो है पूरा दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि हर अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट है, और जिनकी कुछ कमरों की जो विंडोज़ जो है अंदर खुल रही हैं, उसके बीच में भी 10 से 12 फीट का गैप है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हर अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी, एक विंडो किसी और विंडो के सामने नहीं खुलेगी। अच्छा, ये मैं ड्राइंग रूम की तरफ दोबारा जा रहा हूँ, और ये इसका ड्राइंग रूम है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये ड्राइंग रूम है। ये भी 12x14 का कमरा है ये, और इसके साथ भी वही है कि 12 फीट की जो 10 से 12 फीट की जो गली है, वो तो हर जगह ही दी हुई है, हर फ्लैट के साथ दी हुई है। ये देखिए, ये इतना गैप है बीच के अंदर कि आपके किसी की भी प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी यहाँ पे। तो अभी मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, एमिनिटीज़ वाला जो फ्लोर है वो दिखाऊंगा मैं। अच्छा, देखें, अब हम उस फ्लोर पे खड़े हुए हैं जो कि एमिनिटीज़ का फ्लोर है। आप इसके बिल्कुल सामने देखेंगे तो इंडोर गेम का पोर्शन बना हुआ पूरा, और जिम का पोर्शन बना हुआ है सामने। अच्छा, लाइब्रेरी का पोर्शन बना हुआ है, लाइब्रेरी मौजूद है अंदर, स्टडी रूम मौजूद है। अच्छा, हर आमने और सामने, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिफ्ट का एरिया है। दो लिफ्ट जो हैं वो इधर हैं, और दो लिफ्ट जो हैं वो सामने हैं। सामने भी इसी तरह बना हुआ है, ये दो लिफ्ट हर आमने सामने जो हैं, हर जो पोर्शन है उसके लिए दो लिफ्ट आ रही हैं। अच्छा, गार्बेज शूटर, ये आप लोगों ने नाम पहली दफ़ा शायद सुना हो, गार्बेज शूटर मौजूद है यहाँ पे, कि हर बंदा जो अपने घर का कचरा निकालेगा वो बिल्कुल ही बराबर में गार्बेज शूटर का ऑप्शन मौजूद है, वो उसको नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर ही एक एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ होगा, उसी पर जाके वो डाल दे, सही है, और सारा कचरा जो है वो एक जगह पे जमा हो जाएगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इधर एक फाउंटेन लगा रहे हैं इस एरिया के अंदर, और जो कि आप देख ही रहे हैं कि यह पूरा एट्रियम बनाया है इन्होंने, कि सन जो है सामने आसमान नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे शीशा लग जाएगा, सन लग जाए, मतलब रोशनी जो है वो डायरेक्टली आएगी, तो फ्लैट जो है हर जगह से रोशन होगा। ये 2 बेड DD के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। 2 बेड DD में दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एक है 1175 का, एक है 1325 का। 1175 वाले सारे सोल्ड हो चुके हैं,
1325 वाला जो है वो अभी कुछ फ्लैट अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकते हैं। तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे से। अच्छा, इसकी खूबसूरती ये है इस फ्लैट की कि इस बिल्डिंग की बल्कि इस अपार्टमेंट की इस प्रोजेक्ट की ये की खूबसूरती है कि इसके चारों तरफ जो है चारों के जो कॉर्नर हैं कॉर्नर फ्लैट जो हैं वो सारे थ्री बेड हैं। मतलब ये आपको आप जहाँ से भी खड़े हो जाएं आपको समय वैसे ही नज़र आने वाला है। मैं आपको किसी फ्लैट से बाहर झाँक के भी दिखाता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि पीछे कोई बिल्डिंग नहीं आने वाली है ये, क्योंकि पीछे सारा बैंगलोर का एरिया है। ये गुलशन मेमार का डब्ल्यू ब्लॉक है, थोड़ा इलीट क्लास यहाँ पे रहती है मेमार गुलशन मेमार की। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे सारे बैंगलोर हैं। ये आप दूर तक देख लें, सारे ही बैंगलोर बने हुए 400 गज़ के, 600 गज़ के, 1000 गज़ के बैंगलोर हैं यहाँ पर। तो इस हाँ, और यहाँ पर अलाव भी नहीं है, ग्राउंड प्लस वन से ज़्यादा अलाव भी नहीं है। तो इस बिल्डिंग के आगे पीछे कहीं भी जो है कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं आने वाली है। ये प्रावर में तो प्लॉट ही है, ये सारे बैंगलो वाले प्लॉट हैं ये। तो इसमें फ्लैट लेने से फ़ायदा है, गुलशन मेमार पूरा आपको नज़र आएगा। मैं आपको शायद थोड़ा और दिखा सकूं। ये देखें, मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ, इस टाइम मैं फर्स्ट फ्लोर से दिखा रहा हूँ। वो डायमंड वालों का प्रोजेक्ट सामने है और ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, चारों तरफ से कॉर्नर ही है क्योंकि आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये डब्ल्यू ब्लॉक है गुलिस्तान जौहर, क्या नाम है, गुलशन मेमार का, और सारी इलीट क्लास रहती है। सामने फ्लैट भी बने हुए मेमार वालों के, ये 20 साल पुराने फ्लैट्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इतने खूबसूरत बनाए हुए हैं कि अभी तक इनकी कहीं से सीपेज भी कहीं से नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस सारी जो है वो गुलशन मेमार वाले करेंगे। तो इसलिए जो है फ्लैट ख़राब होने का भी डर नहीं है कि नई मैनेजमेंट आएगी तो पता नहीं क्या करेगी इसके साथ। ये देखें, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। अच्छा, सबसे और मज़ेदार चीज़ अभी मुझे पता चली, आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी, मेरे साथ मेरे भाई मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि 2 डेडिकेट पार्किंग मौजूद है। 450 स्क्वायर फिट का जो एरिया है वो पार्किंग के लिए रिजर्व है, और जो कि जो भी बंदा फ्लैट लेगा उसको 2 गाड़ियों की जगह मिलेगी। 450 स्क्वायर सबको मिलेगी वो पार्किंग। मैं आपको पार्किंग वाला एरिया भी दिखाता हूँ। देखिए, ये पार्किंग का एरिया है और 3 पार्किंग है। ये पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे आप लोगों को गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी, ये आपको नज़र आ रहा है। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था गार्बेज शूटर का, कि आप अपने ऊपर घर से ऊपर से ही फेंक देंगे तो वो सारा कचरा जो होगा वो यहाँ पे आके जमा होगा। ये पार्किंग वाले एरिया में यहीं से आके जो है वो कचरे वाले जो होंगे भाई यहीं से आके लिफ्ट करेंगे। और ये रैम्प है इसका जो एंट्री है, बेसिकली यहाँ से आप अंदर आएंगे लोग अपनी गाड़ियाँ लेके। ये पहले तो आपने देख लिया कि जी वॉक इन, अगर आप आते हैं अपार्टमेंट में जाने के लिए तो उसका वॉक इन रिसेप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर आप आते हैं गाड़ी से तो ये वो एरिया है। देखें, बैक साइड पर बैंगलोर बने हुए 400 यार्ड के 1 यूनिट बैंगलोर हैं, हाई राइज कोई नहीं आना इसकी फेसिंग पर। अच्छा, ये 20 फुट की गली है बेसिकली, और इस बिल्डिंग के बैक साइड पर भी 20 फुट की गली है जो बिल्डर कंप्लीट करके देगा। उसके बाद ये 20 फुट की गली से आपकी गाड़ी आती है और सीधा आप रैंप पर जाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह ये पहला रैंप है और एंट्री यहाँ से है, ये एंट्री है यहाँ से, मतलब जो गाड़ी भी आएगी वो यहाँ से एंटर होगी। और ये दूसरा रास्ता आपको मैंने जो बताया जो मेन एंट्रेंस है इसका गाड़ी के हवाले से। अच्छा, इसमें ये होगा कि जी आपका, आपने देखा होगा नीचे इसके कमर्शियल बने हुए हैं, लेकिन कमर्शियल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि फैमिली प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इसका एंट्रेंस अलग रखा गया है। अच्छा अच्छा, गुड है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, हम बाहर से भी दिखा देते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज़ आपको यूनिक बतानी है क्योंकि फ्लैट पूरा फ्लैट ही लग्जरी फ्लैट है, तो एक यूनिक अभी USP मुझे बताइए इसकी कि इस बिल्डिंग में जो है कमरों में जो है वो होलो ब्लॉक यूज़ किया गया है। होलो ब्लॉक की खूबी क्या है, वो लोग जो कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हैं या प्रॉपर्टी की फील्ड से हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात को। होलो ब्लॉक से ये होता है फ़ायदा कि अगर आपके गर्मी जो है वो 42 टेम्परेचर पर पड़ रही है तो आपकी दीवारें गर्म नहीं होंगी क्योंकि ब्लॉक के बीच में होल होता है, मतलब गैप होता है, तो वो गर्मी कभी भी अंदर आने नहीं देता है। तो इससे ये महंगा ब्लॉक है, नॉर्मल ब्लॉक मिल जाएगा 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का, लेकिन ये डबल कीमत में 60 रुपये का ब्लॉक पड़ता है ये एक। तो ये ब्लॉक जो है पूरी बिल्डिंग में यूज़ किया गया है कि ये लोगों को गर्मी का टेम्परेचर जो है वो परेशान ना करे।
तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात यह कि एक कमरे की वॉइस दूसरे कमरे में नहीं जाती है। इस होलो ब्लॉक की खूबी बता रहा हूँ कि अगर आपके कमरे में कोई फाइट हो रही है, कोई किसी भी बात पे लड़ाई वड़ाई हो रही है, तो उसकी आवाज़ दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। तो बड़ी प्राइवेसी के लिए भी बड़ा अच्छा है कि एक तो गर्मी अंदर नहीं आएगी, दूसरा ये है कि आपके कमरे की बातचीत की आवाज़ भी दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। तो ये आप लोग देख लें, ये बेंगलुरु वाली पट्टी है जो इसका हम जिक्र कर रहे थे अभी ऊपर भी, कि पीछे जो है पूरे 1000 गज़ के 400 गज़ के बेंगलुरु मौजूद हैं, क्योंकि ये गुलशन है ममार का इलीट क्लास का एरिया है, डब्ल्यू ब्लॉक है ये, सारे बेंगलुरु बने हुए। उसके साथ ही ये बिल्डिंग है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये ममार प्राइड की बिल्डिंग है। इसमें क्योंकि इसके बराबर में भी जो है वो 1000 गज़ का बेंगलुरु है, तो ये कॉर्नर की बिल्डिंग है, टू साइड कॉर्नर है, और पीछे भी कोई बिल्डिंग नहीं आ रही, क्योंकि आप फ्लैट पीछे ले लें या सामने ले लें, आपको तो हवा पूरी मिलनी है, और सेमी फर्निश है, पूरा तैयार फ्लैट मिलेगा। और होलो ब्लॉक का मैंने अभी बताया कि उसके फ़ीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और अभी सस्ता है। अगर यही फ्लैट जिन्ना एवेन्यू पर बन रहा होता मलिर कैंट, तो ये 3 से 4 करोड़ रुपये का फ्लैट होता ही है। वहाँ तो हम बेच ही रहे हैं, आपने हमारी वीडियोज़ देखी होंगी पहले भी, कि हाँ वहाँ पे कितने एक्सपेंसिव हैं, सिर्फ जगह की वजह से है। ये गुलशन ममार में है, वो मलिर कैंट रजीना एवेन्यू है। ठीक है भाई, हम अपनी वीडियो को क्लोज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ममार प्राइड की आज हमें मिली है और वो हमने आपसे शेयर की है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मज़ीद बताएं कि क्या करें, और अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।